हेलो डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कांता। आज जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है मेंस्ट्रुएशन का। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो इसकी इंपॉर्टेंस अपनी ही बनती है ना। तो हम शुरू करते हैं। जैसे पहला हमारा जो सिम्टम आता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वर्स एट नाइट, है ना। और रात के टाइम पे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और बहुत ज़्यादा बुरी वाली ब्लीडिंग होती है, यानी बहुत हैवी फ्लो होता है। तो इस केस में जो आपकी मेडिसिन जाएगी वो जाएगी अमोनियम म्यूर, इसके अलावा बोविस्टा, और एक आपकी मैगकार्ब। ये आपकी तीन मेडिसिन जाती हैं अगर आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वर्स होती है एट नाइट में। देन उसके बाद आपका सेकंड सिम्टम आता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वर्स ड्यूरिंग डे सीजेस ऑन लाइंग। ठीक है, अभी नाइट में हमने कर लिया तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वर्स ड्यूरिंग डे, पहले रात में सबसे खराब थी, अभी दिन में खराब है। और सीजेस ऑन लाइंग, जैसे ही आप लेटते हो आपका मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रुक जाता है। तो इस केस में आपकी मेडिसिन कौन सी आएंगी? इसमें आपकी जो मेडिसिन आएगी वो आएगी कैक्टस ग्रैंडिफोलिया, ठीक है। इसके अलावा कॉस्टिकम आती है, लिलियम टिग आती है, पल्सटिल आती है, ये है। अगर आपको नाइट में मेंस्ट्रुएशन जो है वो एग्रावेट हो रहा है, यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपकी अमोनियम म्यूर बोविस्टा एंड मैगकार्ब होती है। पर अगर दिन में हो रहा हो ड्यूरिंग डे, हम लोग हमेशा कैसे सिम्टम करते हैं, एक दूसरे के कंट्रास्ट चलते हैं कि कोई दिन में सिम्टम अच्छा है तो वो रात में कैसा होगा, है ना। तो अभी हमने स्पेशली एट नाइट किया तो स्पेशली एट डे, और लेटने से आपका मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो ये फ्लो होता है ये कम हो जाता है। तो ये आपकी मेडिसिन है। देन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वर्स ड्यूरिंग लाइंग डाउन, जब आप लेटते हो तभी आपका मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, है ना। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वर्स ऑन लाइंग डाउन, अभी ऊपर वाले में आपका क्या था कि आपको लेटने से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रुक रहा था, यहाँ आपका बहुत बुरे वाला खराब हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत हैवी फ्लो होगा। मेडिसिन आपकी आती है, एक ही मेडिसिन है, क्रियोजोटम, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको पढ़ना चाहिए कि लाई डाउन करने से आपका मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और भी ज़्यादा दिक्कत देता है, यहाँ पर आपको आराम मिलता है लेटने से, ठीक है। देन इसके बाद आपका जो सिम्टम आता है कि डायरिया बिफोर मेंसेस आने से पहले आपको डायरिया होता है। नॉर्मली भी अगर आप देखोगे तो कुछ फीमेल्स में ना अलग अलग सिम्टम्स आते हैं मेंसेस अपीयर होने से पहले, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स बोलते हैं जिनको, सॉरी। तो जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को डायरिया होता है, तो गैस्ट्रिक सिम्टम्स आते हैं मेंसेस आने से पहले फीमेल्स में, और कईयों को जैसे ब्रेस्ट रिलेटेड सिम्टम आते हैं, उनकी ब्रेस्ट में हैवीपन आ जाता है, है ना, हैवीनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा टेंडरनेस आ जाएगी, पेन रहेगा। तो ये सारे मेंसेस के आने से पहले के साइन सिम्टम्स होते हैं। तो जैसे अभी आपको डायरिया बोला है बिफोर मेंसेस, तो इस पे जो आपकी मेडिसिन जाएगी वो जाएगी अमोनियम कार्ब बोविस्टा एंड वेरिट्रम एल्बम। ये है आपकी मेडिसिन जिनमें डायरिया होता है बिफोर मेंसेस। अगर हम डायरिया कर रहे हैं तो हम कॉन्स्टिपेशन भी देखेंगे, है ना, कॉन्स्टिपेशन बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। एक ही मेडिसिन आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, एक ही मेडिसिन आती है आपकी, ये है साइलिशिया। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका सिम्टम आता है मेंस्ट्रुएशन का वो ये आता है कि हेडेक एट मेंस्ट्रुअल नाइसेस, जब आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा होता है उस टाइम पे आपको हेडेक होता है। तो यहाँ पे हमने कॉन्स्टिपेशन देखा है, पर डायरिया देखा है ना, अभी हेडेक होगा
मेंस्ट्रुअल लाइसेस में, हेडेक ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल लाइसेस, ये क्वेश्चन भी कई बार देखा है मैंने, ऐसे का ऐसा आता है लिखा हुआ। तो इसमें आपकी जो मेडिसिन जाती है वो जाती है सीपिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी ना कई बार आता है एग्जाम में, मैंने देखा है इस चीज़ को भी जब मैं एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करती हूँ, तो ये क्वेश्चन भी मैंने देखा है कि हेडेक ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल लाइसेस इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। किसी को मेंसेस आ रहे ना उस टाइम पे, हेडेक हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो पर्टिकुलर रेमेडीज चली जाती हैं। देन इसके बाद आता है कि विकेरियस मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, आपको नोज ब्लीड हो रहा है, व्हेन मेंसेस शुड अपीयर, है ना, तो विकेरियस मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, विकेरियस मेंसुरेशन हो रही है। और विकेरियस मेंसुरेशन में होता क्या है कि आपको नोज ब्लीड हो रही है एट द प्लेस ऑफ मेंसेस, है ना, तो यहाँ पे आपको नोज ब्लीड हो जाएगी एट द प्लेस ऑफ मेंसेस। तो कौन सी मेडिसिन है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा। इसमें जो आपकी मेडिसिन जाती है, सिर्फ तीन मेडिसिन जाती है, ब्राइनिया अल्बा, फॉस्फोरस एंड पल्सेटिला। ब्राइनिया अल्बा, फॉस्फोरस एंड पल्सेटिला, जहाँ पे आपको नोज ब्लीड हो जाता है एट द प्लेस ऑफ मेंसेस कह सकते हैं, सॉरी। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं इसी चीज़ को, नोज ब्लीड हो गया ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है, या कह सकते हो इंस्टेड ऑफ मेंसेस आपको नोज ब्लीड हो रहा है, है ना। इसके बाद आपका सिम्टम जो आता है नेक्स्ट, हमारा एट सिम्टम करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिम्टम आता है कि ड्यूरिंग मेंसेस अगर आपको नोज ब्लीड हो जाए, है ना, एक तो होता है कि नोज ब्लीड हो रहा है आपको मेंसेस की जगह पे, इंस्टेड ऑफ मेंसेस आपको नोज ब्लीड हो गया, और एक होता है आपको कि नोज ब्लीड हो रहा है ड्यूरिंग मेंसेस, नोज ब्लीड ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के टाइम पे नाक से भी ब्लीडिंग हो रही है और वजाइना से भी ब्लीडिंग हो रही है ना। तो इसमें आपकी जो मेडिसिन जाएगी वो कौन सी जाएगी, इसमें आपकी मेडिसिन जाएगी नैट्रम सल्फ, बहुत बढ़िया रेमेडी है नैट्रम सल्फ, ठीक है। इसके बाद आपका सिम्टम आता है कि मिल्क इन ब्रेस्ट इंस्टेड ऑफ मेंसेस, देखो ये कुछ अलग सी चीज़ होगी ना, कि मिल्क इन ब्रेस्ट आएगा, मिल्क इन ब्रेस्ट इंस्टेड ऑफ मेंसेस, मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे इनको ब्रेस्ट से कुछ फ्लूइड सा डिस्चार्ज होने लग जाता है, ठीक है, तो मेंसेस का जब टाइम आता है तो उस टाइम पे इनको ये कंप्लेन आने लग जाती है। मेडिसिन आपकी सिर्फ एक ही है, मर्कसूल, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट सिम्टम आता है कि लुकोरिया एट द प्लेस ऑफ मेंसेस, मेंसेस की जगह पे आपको लुकोरिया हो जाएगा, एट द प्लेस ऑफ मेंसेस। देखो मेंसेस की जगह पे कभी आपको नोज ब्लीड हो रहा है, ठीक है, कभी आपको मिल्क आ रहा है ब्रेस्ट के अंदर, कभी आपको लुकोरिया हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सिम्टम्स। तो इसमें मेडिसिन आपकी सिर्फ तीन आती है, नक्स मॉस, कोक्यूलस इंडिका, ठीक है, एक ज़ेंथोफिलस होती है, ये है आपकी कुछ मेडिसिन। देन इसके बाद जो सिम्टम आता है आपका वो आता है, फिर आता है आपका सिम्टम एपिलेप्सी एट द प्लेस ऑफ मेंसेस, एपिलेप्सी एट द प्लेस ऑफ मेंसेस, मेंसेस की जगह पे इसको एपिलेप्सी आना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके जो मेडिसिन आएगी एट द प्लेस नहीं, एट द टाइम ऑफ मेंसेस होता है, सॉरी, जब मेंसेस आते हैं तो उनको एपिलेप्सी भी होती है। तो एक ही मेडिसिन है आपकी बुफोराना, बुफोराना में एक और इम्पॉर्टेंट आ जाता है
कि एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स भी जो पेशेंट होता है मेल होता है उसको एपिलेप्टिक कंडीशन आ जाती है ना। तो ये है आपका फीमेल के अंदर ये सिम्टम आता है कि जब मेंसेस आ रहे होते हैं उस टाइम पे इसको एपिलेप्सी की कंडीशन आ जाती है। देन इसके बाद एक ब्रेस्ट का सिम्टम आता है जिसमें आपकी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सोर है, हार्ड है, पेनफुल है बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, है ना। तो ब्रेस्ट आपकी कैसी होंगी, पेशेंट की ब्रेस्ट सोर, हार्ड एंड पेनफुल बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। तो मेडिसिन आपकी कौन कौन सी आएंगी इसमें, देखो इसमें आपकी मेडिसिन आएंगी, एक तो आपकी आएगी इसमें लैक्कन, ठीक है, कोनियम मैक आएगी, काली कार्ब आएगी। तो कोनियम मैक, लैक्कन एंड काली कार्ब, तीन मेडिसिन है जिसमें आपके ब्रेस्ट के सिम्टम आते हैं, पेनफुल रहेंगी पूरा मेंस्ट्रुअल पीरियड में। देन इसके बाद एक और सिम्टम आता है कि ब्रेस्ट कोल्ड होती है आइस की तरह, ऐसे लगता है कि एकदम बर्फ जैसी हो गई जब आप उसको टच करते हो। स्पेशली हम बात करें निपल्स की, बाकी की बॉडी आपकी वार्म रहती है ड्यूरिंग मेंसेस। तो ऐसे लिखेंगे इसको कि ब्रेस्ट एज कोल्ड एज आइस, स्पेशली निप्पल, ड्यूरिंग मेंसेस की बात कर रहे हैं, है ना। और बाकी की जो बॉडी है वो वार्म रहती है, रेस्ट ऑफ द बॉडी रिमेन्स वार्म। तो एक ही मेडिसिन है आपकी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका क्योंकि बहुत ही अजीब सा फीचर आ गया ना ये। तो यहाँ पे आपकी जो मेडिसिन आती है वो आती है मीडोराइनम, मार्क करके रखिएगा इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे आपका, इंपॉर्टेंट तो वैसे पूरी मटेरिया ही है। देन इसके बाद आपका सिम्टम आता है कि एक एवरी मेंस्ट्रुअल लाइसिस, है ना, माउथ थ्रोट एंड टंग जो होते हैं वो इनटॉलरेबली ड्राई होते हैं स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे इसको कि एट एवरी मेंस्ट्रुअल लाइसिस Lysis, mouth, tongue and throat intolerably dry होते हैं, ठीक है, especially during sleep। तो इसमें आपकी मेडिसिन कौन सी जाएगी, इसमें आपकी दो ही मेडिसिन जाती है, एक nux moss जाती है, एक tarantula जाती है, ठीक है, नक्स मॉश एक टेरेंटोला, ये मेडिसिन जाती है आपकी। इसके बाद आपका जो सिम्टम आते हैं वो आता है 15वां सिम्टम करेंगे हम, देन उसके बाद आपका 15th सिम्टम जो आता है वो ये आता है कि डिलेड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, है ना। तो डिलेड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आपको कब मिलेगा, डिलेड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पहला जो मेंसेस आना चाहिए वो थोड़ा डिलेड होता है, मेडिसिन आपकी पल्सेटिला ही जाएगी, ठीक है, पल्सेटिला। देन इसके बाद एक सिम्टम और आता है इसी जैसा, ठीक है, उसमें पूछा जाता है कि मेंस्ट्रुएशन वेरी अर्ली इन लाइफ, बहुत जल्दी आ जाते हैं जिनके मेंसेस ना, मेंस्ट्रुएशन अर्ली इन लाइफ जल्दी आ जाते हैं, तो इसमें आपकी मेडिसिन जो जाती है वो जाती है सबाइना। नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन आने की एज जो होती है वो कम से कम 12-13 साल कम से कम आज की डेट में होनी चाहिए, वरना पहले के टाइम में अगर आप देखते थे तो 16-17 साल की लड़कियों के मेंस्ट्रुएशन जो होती थी वो स्टार्ट होता था, मेनार्के जिसको बोलते हैं। अभी आज की डेट में जो पीरियड चल रहा है, हमारा जो टाइमिंग है, उस हिसाब से 12-13 साल जो होती है
वो भी हमारे टाइम में होता था, बट अभी जो करेंट सिनारी है उसमें 9-10 साल की जो लड़कियां होती हैं उनको भी मेंसेस आ जाता है। तो ये देखा जाए तो वैसे गलत चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ टाइम पे ही ठीक रहती है। उस टाइम पे आप मेंटली भी प्रिपेयर्ड होते हो, फिजिकली भी प्रिपेयर्ड होते हो, तो जो हमारा खान पान हो गया है, जो हमारा रहन सहन हो गया है, उसकी वजह से अब हमारे जो बच्चों की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस पर बहुत असर पड़ता है ना। तो जैसे ये है कि डिलेड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है, ये पहले के टाइम की बातें होती है जब मेंस्ट्रुएशन बहुत लेट आती थी, पल्सर ढीला। अब आया मेंस्ट्रुएशन अर्ली इन लाइफ, आ गया, जल्दी आ गया, जैसे 12-13 में भी जल्दी माना जाएगा, 11-12-13 में, तो सब आईना जाती है। एक होता है आपका प्रीमेच्योर मेंस्ट्रुएशन। प्रीमेच्योर मेंस्ट्रुएशन का मतलब टाइम से बहुत ज़्यादा पहले, जैसे छोटी छोटी बच्चियों में आ जाते हैं आजकल मेंस्ट्रुएशन के सिम्टम। रीज़न होता है जो भी आप फास्ट फूड खा रहे हो, या स्पेशली जो आप मिल्क पीते हो, वो जो आपका पशु होता है उसको इंजेक्शन लगते हैं ऑक्सीटोसिन की, उसकी वजह से ये जो एक कंडीशन है फीमेल्स में देखने को मिल रही है आज के डेट में। छोटी छोटी बच्चियों के भी टाइम से पहले मेंसेस आ जाते हैं। तो इसमें जो आपका मेडिसिन आएगी वो आएगी एब्सिंथिनम। ये मेडिसिन क्लेप्टोमेनिया में भी हमने पढ़ी थी, बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद आपका जो सिम्टम आता है वो आता है कि फंक्शनल एमेनोरिया हो जाएगा यंग गर्ल्स का विद बैकएक, ठीक है, फंक्शनल एमेनोरिया ऑफ यंग गर्ल्स विद बैकएक। तो कौन कौन सी मेडिसिन आएंगी इसमें आपकी, इसमें आपकी मेडिसिन आएंगी वो आएगी सेनेशियो ऑरियस, सेनेशियो ऑरियस। नेक्स्ट जो आपकी उसके बाद सिम्टम आएगा वो ये आएगा कि आपको क्या नाम है, कंप्लेंट्स जो होती हैं फ्लेशी वुमेन की व्हेन अप्रोचिंग मेनोपॉज, ठीक है, कंप्लेंट्स ऑफ फ्लेशी वुमेन, कंप्लेंट्स ऑफ फ्लेशी वुमेन When approaching menopause, menopausal age में जब आती हैं कुछ fleshy औरतें, तो उसमें आपको पता है fleshy group की बात कर रहे हैं, तो medicine आपकी Calcarea Ars आएगी। इसके बाद आपका एक symptom आता है कि आपको menses की जगह पे leucorrhea हो जाता है ना, तो ये आएगा कि डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम विजाइना एवरी टाइम द चाइल्ड नर्सेस, है ना, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम विजाइना एवरी टाइम द चाइल्ड टेक्स मदर्स मिल्क। एक ही मेडिसिन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये मेडिसिन जो आपकी जाती है वो जाती है साइलिशिया। साइलिशिया अगर आपने पढ़ी होगी तो इस मेडिसिन में आपने एक सिम्टम और देखा होगा कि जो बच्चा होता है ना वो मदर के मिल्क को रिफ्यूज़ करता है, रिफ्यूज़ल टू मदर्स मिल्क, तो उसमें आपकी साइलिशिया जाती है। और यहाँ पे जब भी बच्चा मदर का मिल्क लेता है तो मदर को भी वजाइना से ब्लीडिंग होती है, जब भी बच्चा नर्सिंग करेगा तो मदर भी उसको दूध पिला के कुछ खास राजी होती नहीं है, है ना। तो ये थे आपके मेंस्ट्रुएशन के, हमने किए हैं टोटल 20 टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन सिम्टम्स। आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहे होंगे, इंपॉर्टेंट रहे होंगे, आपको समझ में आए होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट ही आते हैं। जैसे अगर आपको मेंस्ट्रुएशन आ गया कि डिलेड है या फिर अर्ली आ गया, प्रीमेच्योर आ गया, तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना, मेडिसिन अलग अलग जाती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।